तो हेलो जी, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आया हूँ जिसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस 80% तक बन जाते हैं। कितने? 80% तक बन जाते हैं ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस। और इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को फाइंड करना भी बहुत इजी है एकदम। अगर आप लोग फ्रेशर भी हैं, आप लोग कोई कैंडलस्टिक बारे में नहीं भी जानते हैं, सो आप लोग इस वीडियो के बाद में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी बिगिनर हो या एडवांस हो, हर कोई इसको फाइंड आउट आसानी से कर सकता है। तो कौन सा है कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले जानते हैं इसका नाम। तो इसका नाम है बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके नाम में ही इसकी सारी सारी सच्चाई फंसी हुई है, मतलब सारी सच्चाई इसके नाम से ही पता चलती है। बुलिश किकर के अपोजिट होता है बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, देखो बुलिश वाला हम लोग को मार्केट को ट्रेंड को रिवर्स करके अपसाइड ले जाता है, बियरिश वाला ट्रेंड को रिवर्स करके डाउनसाइड लेके जाता है। सो हम लोग अभी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और इन कैंडलस्टिक्स को कैसे फाइंड करा जाता है और इन कैंडलस्टिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम लोग को माइंड में रखना चाहिए फाइंड करते समय। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, आपको एग्जाम्पल साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बुलिश एंगल से इस वीडियो हम लोग बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाने वाले। ओके, तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर वन पे, पॉइंट नंबर वन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मार्केट एक किसमें होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। ओके, मार्केट किसमें? एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक, मार्केट इसमें अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है। ओके वेट अ मिनट, मैं थोड़ा साइड को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो मार्केट अभी इस समय कहाँ पे? डाउन ट्रेंड में है। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद सेकेंड चीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट सिनेरियो हम लोग का बनता है मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड सिनेरियो हम लोग का ये बनता है कि जो मार्केट के जो लास्ट कैंडल होती है, आप लोग मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। देखो देखो डाउन ट्रेंड के बाद जो लास्ट कैंडल होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? वो एक बुलिश सॉरी बियरिश कैंडल होनी चाहिए। ओके, ये आप लोग कैंडल देख पा रहे होंगे, ये कैंडल बियरिश कैंडल है, देख पा रहे होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जो अगली कैंडल बननी चाहिए वो गैप अप बननी चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे गैप अप कैंडल बना दी है इसने। सो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है कि वापस से हम लोग को एक अच्छी खासी रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, देखिए यहाँ से प्राइस कितना, यहाँ पे प्राइस था 4300 के आसपास, 4370 के आसपास। इसके बाद आप लोग प्राइस देखिए कहाँ तक, 5200 रुपीज तक का गया है, मतलब आराम से 500 पॉइंट से ज्यादा का प्राइस में मोमेंटम रैली देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके, सो इस कैंडलस्टिक को फॉर्म करना, फाइंड करना बहुत ही आसान है। थ्री सिंपल स्टेप्स है कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो लास्ट कैंडल होनी चाहिए वो एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, एंड थर्ड कैंडलस्टिक ये जो बियर कैंडल बननी चाहिए अगली कैंडल ये गैप अप बननी चाहिए। ओके, और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको प्रो टिप्स बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। ओके, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल में भी एग्जैक्टली सेम हम लोग को दिखाते हैं बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप लोग को इसी का बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में यस इंटरेस्टेड लिखिए या आप लोग को डिमांड करिए, तो मैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना के लाऊंगा। ओके, तो देखो सेकंड एग्जांपल फिर से मैं शो करता हूं आप लोग को। मार्केट देखिए तीन कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, एग्जैक्टली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, फर्स्ट कैंडलस्टिक कन्फर्म। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? मार्केट की लास्ट कैंडल बियरिश होनी चाहिए, एग्जैक्टली मार्केट की लास्ट कैंडलस्टिक बियरिश है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी कंफर्म। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक गैप अप होनी चाहिए और बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ओके, गैप अप भी है, बुलिश कैंडल भी है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी कंफर्म। अब मैं आप लोग को लाइव प्रूफ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखिए कितने पॉइंट्स का मोमेंटम रैली दी है मार्केट में। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने फ्रेश ट्रेड बनाई हुई कि यहाँ से इस कैंडलस्टिक की पोटेंशियल देख पा रहे होंगे, ये कैंडलस्टिक यहाँ से इसको मार्केट को सीधा सीधा 400.391 राउंड ऑफ ले लें 400 रुपीज तक का 400 पॉइंट अप लेके गई है। और अगर और थोड़ा चार्ट में आगे बढ़े हैं, देखिए 400 पॉइंट से भी कितना तगड़ा मोमेंटम रैली ला चुकी है मार्केट, लगातार रैली पे रैली इस कैंडलस्टिक के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, रैली मार्केट लेके आई है। ओके, तो देख सकते हैं कितनी पावरफुल कैंडल है और ये ट्रेंड रिवर्सल कितने परसेंट तक का ट्रेंड रिवर्सल ला सकती है। देखिए आप लोग आराम से 1000 रुपए यानी 1200 पॉइंट से ज्यादा तक का मोमेंटम दे चुका है, इतना पोटेंशियल होता है इस कैंडल। ओके, अब बात करते हैं अगर आप लोगों को बियरिश वाले की भी चाहिए, इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है, लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं उसके। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं उस कैंडलस्टिक बारे में भी, कमेंट बॉक्स में भी जल्दी से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलता रहे। अब आते हैं मेनली प्रो टिप्स के ऊपर। मैंने जो बोला था कि मैं आप लोगों को प्रो टिप्स दूंगा, प्रो टिप्स क्या है?
आप लोग इसके साथ साथ आप लोग वॉल्यूम को इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, देखिए मैं पहले से लगा के रखा हुआ है। अगर आप लोग को नहीं पता है वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगता है तो मैं वो बता देता हूँ। सिंपली आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम सर्च करना है। देखिए वॉल्यूम सर्च करते साथ, ओके गलत सर्च कर लिया, देखो सॉरी बार बार, ओके देखो वॉल्यूम सर्च करते साथ ही जो पहला इंडिकेटर आ रहा है इसको आपको सिंपली लगा लेना है। ये आपका इंडिकेटर चार्ट पे लग जाएगा। देखिए जैसे ही चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो जैसे ये बुलिश कैंडल बने, अगर इसका वॉल्यूम बहुत तगड़ी वॉल्यूम आई, देख पा रहे हैं आप लोग वॉल्यूम चार्ट एकदम से राइज हो गया है। अभी तक चार्ट एकदम नेगेटिव डिक्रीजिंग में जा रहा था, बट एकदम से यहाँ पे राइज हो गया चार्ट। ओके सो जान सकते हैं वॉल्यूम का कंफर्मेशन, प्रो टिप्स यही है कि आप लोग को वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके सेकेंड प्रो टिप्स क्या है, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल स्टिक का जैसे क्रॉस ओवर हो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करिए। ओके यहाँ पे बीच में कहीं एंट्री मत लीजिए, क्रॉस ओवर पे, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है इस जगह पे कहीं ट्रेड आप में एंट्री लीजिए। ओके फिर थर्ड प्रो टिप क्या है, थर्ड प्रो टिप ये है कि आप लोग हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही ये कैंडल स्टिक अगर मिलती है तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। कभी कभी मिड सेशन में भी मिल जाती है, बट मिड सेशन वाली रिस्की होती है, डाउन ट्रेंड के बाद बहुत ही इफेक्टिव कैंडल होती है ये। ओके तो ये थे कुछ तीन प्रो टिप्स। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम लोग को भी आप लोग से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़े और आपका भी हमसे इंटरेक्शन बढ़ता जाए। ओके तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी कोई अच्छी मजेदार एक और वीडियो के साथ। ऐसे हम लोग लर्निंग और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करा करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हम लोग साथ में ग्रो कर पाए। तो सी यू सून।